असलम ख़बरदार में खुश आमदेद मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल खतीन नज़रात आज शो का आगाज करेंगे फिल्म किताब और लोग से और आज के मेहमान हैं फिलपिन्स की दो इंतहाई बदनाम ज़माना शख्सियात दोनों मियाँ बीवी हैं फर्दनंद और अमेल्डा मार्कोस क्या क्याल है जनाब आपका जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सुनिए कैसे हैं आप दोनों में से फर्द कौन है <laughs> <laughs> है मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे मैं की थी क्या वजह चॉकलेट तो मैं इतनी खाती थी इतनी खाती थी मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्यों, क्यों खाया करती थी मुझे पसंद थी मैं खाती थी इसमें किसी को पाबंदी है कि मैं नहीं खाऊंगी अच्छा जरा बहस नहीं करनी मिन कुटेगा आपको कुटेगी अगर कुटेगी भी वैसे तो क्यों कुटेगी सवाल ये कि वो आपकी बीवी है वो आपका बीवा है <laughs> तो नहीं पता आफ्ताब आफ साहब पता नहीं जुर्म कर बैठा मैं की गए वे मैं अपने जराइम की गल करता पे ये इंतहाई करप्ट हुक्मरान था इसके दौर में फिलीपींस के कर्जे में सत्तर गुना इजाफा हुआ ये जब मुल्क से फरार हुआ इसके घर से यूं चीजें बरामद हुई जैसे किसी चोर उचके और डकेत के घर से होती है।, है इसकी बेगम साहबा जो इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है इनकी कलेक्शन में तकरीबन एक हजार बड़े क्लासी किस्म के जूते थे आठ नौ सौ बैग्स थे हीरे की अंगूठियाँ थी रोलक्स घड़ियाँ थी एक दर्जन मर्सिडीज़ बैंस थी इनके पास अपना तैयारा अपना हेलीकॉप्टर और तो और यॉट भी अपनी थी ये देखो बेड़ी गाल है तो तुम्हारे बाप का माल था ये

इतनी जायदाद यानी पांच से दस बिलियन डॉलर्स का टीका इसने अपने गरीब मुल्क को लगाया और मरा गुर्दे की दर्द पत्थरी दिल और फेफड़े भी तो थे जितना लोगों ने माल खा था बीमारियां वड्डियां ही लगदियां खास तौर पे पर कल्ब में ये जरूर मुबतला होते हैं याद रखिए कि जब आप अपनी माँ को रॉब कर रहे होते हैं ना और बीमार माँ को जिसके पास बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत जमा पूंजी जिससे वो अपने लिए दवाई ले सके और घर का गुजारा कर सके जब आप वो पैसे चुरा के ऐशी पर खर्च कर रहे होते हैं आप जितने बेजमीरी क्यों ना हो फिर भी प्रिकिंग जरूर होती है और सजा का ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि कॉन्शियंस की प्रिकिंग ये गलत है कहते हैं जी बेजमीर बंदा जब हो जाए तो प्रिकिंग होती रहती है आप उसकी तरफ ध्यान ना दें ये एक अलग बात है और ये जब मरने लगा तो इसने कहा मुझे अपने मुल्क में दफन होने दो मैं नब्बे फीसद तुम्हें दे देता हूँ सब कुछ फिलिपिंस वालों ने कहा हमें तुम्हारी डेड बॉडी की जरूरत नहीं है इस गलाजत से इस आलिश से हमने अपने मुल्क को पाक रखना है इसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती आ, मैं कोई मैं माड़ी गलत नहीं की थी। सारी चीजें ले लो भाई उठे दफन होने तो आटे कुरान तक ये भी साल कैद की सजा हो चुकी है जो सतर साल भी हो सकती है जो सतर भी हो सकती है लेकिन आजकल जमानत पे चल फिर रही है लेकिन क्या जिंदगी है देखो अपनी आंखों से अपना अंजाम देखना यानी जिंदगी है कि एक-एक हाथ से सिरकती जा रही है वो अरबों डॉलर्स आपके किसी काम का नहीं तो जिंदगी की बेसबाती बंदा जब खुद देख ले कि यार, ये तो इतनी छोटी सी इनिंग्स थी क्या इसके लिए इतना तरद किया था जी सर इनकी आदतें तो हमारे हुक्मरानों से ही बहुत मिलती हैं हमारे हुक्मरानों से नहीं उसने मुबारक से भी मिलती हैं सदाम हुसैन से भी मिलती हैं और खास तौर पे उसका बेटा उदय उससे बहुत मिलती है दुनिया के हर करप्ट शख्स की आदत ये यूनिवर्सल है जैसे बदकारी की जिल्लत और उसका तलज्ज यूनिवर्सल है ना हर जगह पर एक जैसी लज्जत और एक जैसी जिल्लत और एक जैसा अंजाम बिल्कुल इसी तरह करप्शन भी एक ही तरह का अंदाज रखती है आपको ठीक लगा ये मोहतरमा के बारे में जरा सुन लीजिए कि जहाज ने टेक ऑफ किया गरीब मुल्क थर्ड क्लास खजाना मीशत बर्बाद तो घंटे बाद ख्याल आया कि मैंने तो चीज ही नहीं खरीदा जहाज मोड़ो ओगे। 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 रोम से चीज ना खरीदे बंदा तो मुझे वो भिंडी तोरी याद आ रही जरा वो बिरयानी भी थी मरी वाली जो इस्लामा से मरी हेलीकॉप्टर तो नवाज शरीफ साहब के साथ मंसूब है ना ये मामला भिंडी तोरी के शौकीन चूंकि दूसरे भाई साहब थे नवाज शरीफ नहीं नहीं जरदारी साहब ये शरीफ भिंडिया का नहीं है किसी और चीज का शौकीन है हर एक का कोई ना कोई शौक तो होता है ना लेकिन खाने पीने में भिंडी चने की दाल चने काले चने माश की दाल ये जरदारी साहब का बहुत मोस्ट फेवरेट है पेरिस तरीफ ले गए प्राइम मिनिस्टर के साथ बेनजीर भुट्टो के साथ पूरा पेरिस छान मारा भिंडी तोरी का सुराग कहीं नहीं मिला तो चूंकि मुसर थे मर्द अव्वल थे खुश करने के लिए ये जो चापलोस कासा लेस होते हैं उनका जनाब पीआईए की फ्लाइट जो मराको से आ रही है उसे कह दिया गया वो थोड़ी देर डिले का शिकार है तीन चार घंटे फ्लाइट डिले हुई और मराकश से भिंडी वो फिर पेरिस पहुंची गई और शुक्र है कि सिर्फ जरदारी साहब थे नवाज शरीफ होता है तो कहते कि

तो आप उनकी बेगम से नेंसी के साथ नाचते नेंसी बड़ी डिसेंट सी थी उस खमचर जी ना कौन नजदा सर पागल तो नहीं तुसी <laughs> अच्छा जी ये वकील थे बाय प्रोफेशन और हर जुर्म से निकलने की राहें खुद सजेस्ट करते थे हरा जी कि भाई इसका तरीका ये हो सकता है इनके जुमला शौक आप देख लेना क्या-क्या थे मतलब सर फरिश्ता अपने मुखालिफिन को इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे ओए होए होए क्या वजह क्या है

अच्छा जी सुनाए यहाँ किसी को कोई हस्बे आरजू और यहां किसी को भी कुछ जो भी मैं ऑफ करने चलती है हुजूर सुन लो भाई मूड मेन को उठता भैया किधर से हो गया बहनो प्यार ना लगदा यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला कुछ हस्बे आरजू ना मिला किसी को हम ना मिले हमें कोई ना मिला और हमको तू ना मिला मैं जो कहता हूं यार

रीडू नहीं किया जा सकता वा, वाह 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 वा, वा। वो बात है कि जो सबसे पहले मुजरिम कहेंगे रब करीम से एक मौका और दे दो ये सारा जो किया बहुत सारी तब्दीलियां कर लें एडिटिंग कर लें और फिर आपको ख्याल है कि नहीं ये सारा कुछ जो किया गलत है इस पर पानी फेरे और नए सिरे से करें उसको कंट्रोल जी दबा देते हैं बिल्कुल फैक्ट्री हालत में आ जाए और फिर से हम काम करें तो उस वक्त अल्लाह ताला फिर इन्हें यही कहेगा कि अब तुम्हारे पास मौका नहीं है गुंजाइश नहीं है आखिरी दिन तक मैंने तुम्हें गुंजाइश दी थी कि तुम तौबा कर सकते थे जिंदगी जब गुजर चुकी हो मेरी ये कितने गुजरी है मैं पहले यह क्लियर कर चुका हूं कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं अल्लाह का उसलूब यही है कि आप तौबा करें माफी मांगना आपका काम है माफ करने वाला वो है 200 साल के भी हो जाएं आखिरी लम्हे पे आप तौबा कर लें अगर उसने माफी देनी है तो वो दे देगा लेकिन स्टाइल उसका उसलूब उसका उसकी बताई हुई बातों से समझ यही आता है कि एक खास स्टेज के बाद कहते हैं ना वेले दी नमाज कवेले, कवेले दी है टकरा ये कवेले की टकरे हैं जो ये आप कह रही है कि जिंदगी रीडू ये तो पे मैं तो वो भी नहीं सी आखिया तो इसलिए कि तुम तो एक मखबूतल हवास शख्स थे ना अच्छा ये जो करप्शन में इंतहा क्रॉस कर जाते हैं ये नॉर्मल हो ही नहीं सकते है। यानी जिसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए दस करोड़ रुपया चाहिए पचास करोड़ रुपया चाहिए वो पचास अरब जब कमाएगा तो इससे समझ नहीं आती कि वो पागल है जैसे बड़ी सीधी सीधी सी बात है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो बैठे हैं समझेंगे कि एक चीज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है ये ऐसे बदसात हैं कि जो तुमने अव्वल तो इसे खे खाने के मुतरादफ कहते हैं यह गलाजत है गंद है जो तुम दोनों खाते रहे हो और तुम्हारी औलाद भी खाएगी लेकिन इसे एक हद तक रखो उससे तजावज क्यों करते हो अब इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि अगर आप एक लाख डॉलर की करप्शन करें तो आपने एक बिच्छू अपने कमरे में रख लिया आपने दस मिलियन डॉलर की करप्शन की तो एक सांप रख लिया

चंद कॉकरोचे से गुजारा कर रो जिंदगी तो इतनी सी रह गई मरा कैसे था ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है फिलिपींस देखा जाए तो अमेरिका की वाहद कॉलोनी है अमेरिका कहता है हमने कभी कॉलोनाइज नहीं किया लेकिन वो अपना रोजा तोड़ चुका है उसने कसम तोड़ी हुई है ये 19वीं सदी के में 1890s में इन्होंने स्पेन से ये हासिल की और उसको अपनी कॉलोनी बना के रखा जब ये यहां से भागा है, इन जैसों को जाए पना हमेशा अमेरिका में मिलती है या अमेरिकी सैटेलाइट्स उनके तुफैली सियारे इन्हें पना देते जैसे शायरान था अपने मुल्क से भागा तो अमेरिका ने जहाँ मुनासिब समझा वहां उसको सेटल कर दिया और वहीं वो मरा ये हवाई में मरा था हवाई अमरीकी रियासत है हवाई इसी तरह ही योगेंडा का ईदी अमीन वो सऊदिया में मरा था अब ये जो गमाशते पाल रखे थे अमेरिका ने उनमें सबसे ख़तरनाक सदाम हुसैन था उसका बेटा ख़ास तौर पे उदय उदय हुक्मरानों की तारीख जब आप देखते हैं मॉडर्न दौर में तो उससे ज़्यादा घटिया बंदा आपको नज़र नहीं आएगा यानी आप हुक्मरान हैं आप सदर के बेटे हैं और आप इस शिकार पे प्रेडेटर की तरह निकलते हैं गाड़ी में कि चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह साल की स्कूल गोइंग गर्ल्स मिल जाए तो उन्हें उठा लेते हैं। ओए, ओए, ओए। ये हरकतें तो जर्मन ने नहीं की थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद फाते नहीं करते इस तरह जिस तरह तुम अपने मुल्क में करते रहे फिर आपने अंजाम देखा क्या अंजाम था उसका सर इस पर भी एक मूवी भी आई है हाँ जी डेबल्स डबल नहीं। वो नहीं। जरूर देखिए बेहतर तो यह कि किताबें पढ़ें उसकी सवान एक से ज्यादा अंग्रेजी में भी आ चुकी है इवन उर्दू में आ चुकी हैं लेकिन अगर क्विक चाहिए तो डेबल्स डबल बहुत अच्छी फिल्म है इसमें सदाम और खास तौर पे उसका बेटा उदे एक सेम उसी शक्ल इसी को डेवल्स डबल कहानी बड़ी दर्दनाक है अनकरीब हम फिल्म किताब और लोग में सदाम हुसैन को डिस्कस करेंगे और ये फिल्म भी थोड़ी सी उसमें डिस्कशन के अंदर आ जाएगी उसको फांसी दी गई थी और एक गलतुल बात यह है कि उसका सर अलग हो गया था धड़ से इट वॉज नॉट एक साथी था वो इतना हैवी था कि उसका सर ऊपर रह गया और धड़ नीचे गिर गया थो, 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 इसकी अहम बात यह कि इसकी फांसी हज वाले दिन हुई थी मशहूर था असल टेन परसेंट तो ये था हमारे तो ऐसे खाम खा बदनाम हुए बाकी थो थोड़ी ठीक है टेन परसेंट मैं

ਬੰਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਬੰਦਰ ਕਿਲਾ ਲੁਧਰ ਕਿਲਾ ਫਿਰ ਹਕੂ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਸਭ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਿਸਕਟ ਪਾਈਏ ਕਬਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕਰੋਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਾ ਇਹ 20 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਨ ਸਾਥ ਵਿੱਚ वेलकम बैक जी खबर है कि 15 लाख डॉलर का कबूतर खरीदना मालिक के लिए दर्द सर बन गया हिफाजत के लिए गार्ड्स रख लिए वाह लाख का कबूतर सर 1.5 मिलियन डॉलर्स उन्होंने और महंगा करते अंग्रेजी ओ पहले ही 15 लाख का यानी डेढ़ मिलियन डॉलर्स का एक कबूतर और पता है महंगा क्यों है ये क्यों सर।, सर इसकी नस्ल कशी करनी है उसने वो आगे बढ़ाएगा सिलसिला वो इसके अंडे बेचेगा और अंडे बहुत महंगे बिकते हैं क्योंकि ये जो जानवर है ना इनकी पैडेगरी चलती है कुत्ते घोड़े कबूतर अब इसकी वजह शोरत इंतहाई ऊंची और तवील उड़ान है ये कई कई दिन उड़ता रहेगा पागल है? नहीं मुकाबले होते हैं इसके कबूतरबाजी की जो स्पोर्ट है वो है क्या गेम है क्या ये गेम यही है कि कबूतर उड़ाया जाता है जिसका कबूतर सबसे देर के साथ वापस आए वो विनर होता है और ये घंटों के हिसाब से उड़ान होती है ने ना सर? अच्छा एक उड़े तो बेजार ही इना सी <laughs> साल बाद बेचारा वापस आया छाते खड़ोते फिर उड़ गया <laughs> अच्छा वो कबूतर जो एक टाइम में वापस नहीं आता वो कंपटीशन से बाहर है तो आपको एक गिवन टाइम में वापस आना हमारे यहां जो बहुत अच्छी उड़ान समझी जाती है वो 20 घंटे 20 घंटे 24 घंटे बहुत आला उड़ान है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड पता क्या है बहत्तर सौ मील यानी 7200 थाउजेंड टू हंड्रेड माइल्स ये फ्रांस से वियतनाम तक गया था 24 दिन में एस्पिनॉज जी एस्पिनॉज के लिए बहुत इस्तेमाल होते थे अब भी आप देखते नहीं ये जो मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स उसमें रेवन इस्तेमाल होते हैं ये कौवा नुमा जो है और रेबन भी उतना ही मवसर होता है असल में रेबन में और कबूतर में बुनियादी फ़र्क ये कि रेबन सर्द मौसमों में कामयाब है कबूतर इतना चल नहीं सकता वो गर्मी का पता हमारे यहाँ भी चूँकि गर्म ममाले के यहाँ पर कबूतर बहुत चलता है और कबूतर की पैगाम रसानी इसका आगाज जोलियस सीजर के साथ एसोसिएट किया जाता है फोर्टी इयर्स बिफोर क्राइस्ट साहब का कबूतर इन्हों चाची का पैगाम दिता हूं यार क्या पैगाम दिया होगा गाल सी हकीम साहब वर्ग के डराने कबूतर <laughs> एक बिल्ली उडन लग पा <laughs> अच्छा जी ये कौन कौन लोग हैं जी टॉम साहब ने जी मेरे मालिक अच्छा। ने ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਓਏ ਯਾਨੀ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਹੈ ਜ਼ਾਇਰਾ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਿਛੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇਹਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ अच्छा जी ये कनाडा में रहते हैं टोरंटो रहते हैं जी अपना समुंदर के किनारे इन कोठी है टोरंटो कौन सा समुंदर है तो सर जो नीरा पानी पानी मैं तो समुंदर ही समझा रहा हूं ओंटारियो लेक है वो ओ ओंटारियो लेक दे नाल ले इनकी ना कोठी है सवेरे सवेरे टॉम साहब निकलते हैं छोटा कच्चा पाके दरिया के किनारे <laughs> दे दाल भेजते <भी> हैं <laughs> इतना महंगा तुमने कबूतर खरीदा कैसे सारे ने जमीन गहने अपनी गिरवी रख दी है बल्कि उधार भी ले लिया है कबूतर खरीदने के लिए हाँ जी एक तो है ना टॉम क्रूज हाँ टॉम मक्रूज है <laughs> पैसे कुछ पैसे कबूतर ने भी पाए दिल ने, <laughs> ने टाम त्रियाद त्रियाद दियाद 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 क्या जवारी होगा उस कबूतर का और क्या अंडे कढ़ा के बेचेगा हां बस आज गरमा अंडे करके ओ <laughs> तो ये बहुत आला नस्ल के अंडे हैं वैसे दिलचस्प बात ये है कि बारहवीं सदी में बाकायदा डाक सर्विस चलती थी तुर्की से इराक और वो कबूतरों के जरिए चलती थी उत्रकुण? ये 2017 में एक और दिलचस्प वाकया हुआ कुवैती सरहद पे एक कबूतर पकड़ा गया जिसके जिसम के साथ छोटी छोटी नशे की हेरोइन की वो मेरा ख्याल दो सौ पुड़ी बांधी हुई थी नहीं वो तरसील करता था ट्रैफिकिंग करता था, जो कर ले था। <laughs> अपना टॉम <मन> <laughs> और जो कोई मशगला बड़ा बिजनेस ट्रांटो क्या बिजनेस गोल्डन का कारोबार है गोल्डन से ट्रांटो रेडी थे गोल्डन का काम क्या

ਜੋ 600 ਪਿਜਿੰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਿਰਫ ਚੈਰੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨਿਕ ਹੋਰ ਲਾਇਕ ਲੈ ਉਹ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰ ਬੇਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰੇ ਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੌਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾ ਖਾਲ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹਰਟ ਕਰ ਕੌਮ ਭਾਈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਅੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘੁਬੂਤਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਨਾ अंडे तो बच्चे बेच के ले आए ऐसा ही होगा ये भी जुनून है ना क्रेज है पागलपन है लोग खर्चते हैं इतने पैसे हालांकि तुक बनता है भला डेढ़ मिलियन डॉलर्स का कबूतर डेढ़ मिलियन डॉलर्स की आप सोने की दुकान बना सकते हैं आफ्ताब कबूतर मेरे लिए फख्र का मुकाम है तो नहीं तेरे लिए डूब मरना मुकाम बेहतर <laughs> ना थोड़ी जी तवज्जो साढ़े लिए दियो ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਸਤੋ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਹਰ ਕਿਸਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਛੋਟਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਥਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਬਗੈਰ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਤਰੰਥਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੈਲਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੈਲਮੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਮੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੀਗਲ ਚਾਹ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਬ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਖਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਲਮੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਫੇ ਜੱਗਾ ਗੁਜਰ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸਨ 3-400 ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਰਸ਼। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।